अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल एटसेट वाना पिजन। ले दोस्तों, ये एक बच्चा टाइप सी चीज़ है। ये देखें, बच्चा ही लग रहा है, 7-8 कली का होगा। ये छत पे आके बैठा है, ये जिसने मुंह खोला हुआ है ये जा रहा है। इसको खैर पकड़ने की कोशिश करते हैं दोस्तों, आप दोस्तों से शेयर करते हैं पकड़ा जाता है कि नहीं। आया दाना फेंका तो ये छत पर बैठ गया, और अभी फ़िलहाल मैं छत के ऊपर अकेला हूँ। ये जो थोड़ा सा बीच में एफिशिएंसियां दिखा रहा है ये वाला दोस्तों, जिसने मुंह खोला वो अब नीचे मुंह मारा। ये जो पीछे खड़ा हुआ है दोस्तों, ये अच्छा, इसको दोस्तों पकड़ता हूँ अब मैं जो है ना, पहले जाके फ्रेम खोल लूँ बाहर वाला जिसके अंदर इसको करना है, इससे पहले कि इसको समझ लग जाए मेरा घर नहीं है और बच्चा साहब जो है ना उड़ के निकलते हों। कबूतर सारे अंदर चले जाने गया, वो भी अंदर की तरफ। ये दोस्तों खुद ब खुद ही जाने लगा, पानी पे जाएगा ये गया पानी पे। ये दोस्तों कबूतर पानी पी रहे हैं, ये बाहर की तरफ जो है ना खड़ा हुआ। मैं इधर से होऊंगा तो इसने पानी पीने के लिए अंदर चला जाना और इसने पकड़ा जाना। तंबल टाइप ही चीज़ है ये, गया ये अंदर दोस्तों। चल 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 बेटा चल। नहीं दोस्तों, इंतहाई आसानी के साथ ही ये पकड़ा गया और पानी पे ही ये पकड़ा गया। ये देखें, पी ले बेटा पानी। चल ये देखें दोस्तों, पानी इसने पीना था जिसकी वजह से बिल्कुल ही आसानी से पकड़ा गया ये। खैर मैं कैमरा जो है ना दोस्तों पहले सेट कर लूँ स्टैंड पे, उसके बाद आप दोस्तों को इसका शौक करवाते हैं। बच्चे दोस्तों आज हमने उड़ाए हुए थे और माशाल्लाह से अच्छा फिर फूर के बैठे हैं। ये कलपरा बच्चा जो हमारा लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि ये रुल रुल आके, जिसकी मैंने वीडियो लगाई थी यार, बच्चा चला गया तो बच्चा माशाल्लाह से वापस आ गया था उस दिन शाम को। आज बच्चा फिर दोस्तों उड़ाया हुआ था और अखीर लेवल का जिसको कहते हैं ना बच्चा, बड़ा ही ऊंचा आज फिर चला गया था, बहुत ऊंचा चला गया था बच्चा। और आधा घंटा जो है ना तकरीबन कोई आधे से पौना घंटा ये बच्चा फिरता रहा, और उसके बाद जो है ना ये बच्चा वापस घर आ गया। फिर बच्चा ये लग गया, अच्छा बच्चा ये वाला जिसके कंधों पर कलर लगाए हुए हैं मैंने। बाकी खैर इसको मैं जो है ना स्टैंड ये सामने पड़ा हुआ है तो मैं स्टैंड खैर सेट कर लूँ, उसके बाद आप दोस्तों को इसका शो करवाता हूँ ये क्या चीज़ है। तंबल सा तो देखते हैं अच्छा है कि नहीं, चेक करते हैं पकड़ के, आपसे भी शेयर करते हैं। ले दोस्तों, ये बच्चा जो कि खैर हमने पकड़ा है और अंदाज़ा मेरा ठीक ही था, 8-8 कली का बच्चा ही है इसका जो है ना। आपको पहले सबसे पहले तो आँख का शो करवाते हैं दोस्तों को, चेक करें दोस्तों, बड़ी आसानी से पकड़ा गया पानी पे जो है ना। ये स्क्रीन पे क्लिक करना पड़ना है, क्लियर कर, क्लियर हो जा। ये दोस्तों इसकी आंख है, ये चेक करें, क्लियर क्यों नहीं कर रहा, ज़्यादा ही फोकस हो गया। ये दोस्तों इसकी आंख थी बच्चे की, परों का जो है ना आपको शो करवाते हैं। यार फोकस आउट हो जाता है। ये इसका एक साइड का पार है दोस्तों, 8-8 कली का बच्चा है। मैं आपको बता रहा था कि ये ना इतना कहीं होना है, और एक साइड से जो है ना इसका पर पहले ही बचपन में ही किसी से जो है ना, जिस किसी का आया उतर गया है हाथ से पकड़ते पकड़ते या टूट गया, ये वाला पार इसका जो है ना पहले से ही खींचा हुआ है 10वां पार, और यहाँ से 9वां पार इसका बच्चे वाला है। तंबल है, हैवी वेट है, वज़न इसका दोस्तों ज़्यादा है जिसकी वजह से ये गिरा है। दुम भी जो है ना इसकी पता नहीं खींची हुई है या इसने खुद ब खुद ही झाड़ ली हुई है। ये इसके पंजे हैं, दूसरा पांव इसने छुपा लिया। कबूतर दोस्तों अपने माशाल्लाह से बच्चे बुच्चे ही आज उड़ाए हुए थे और अच्छा फिर के बैठे हैं बच्चे। बच्चे जो हैं पक्के हो गए हैं अपने, बस 4-5, तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह और बच्चे पक्के कर लेंगे। इसको मैं बांध दूँ फिर वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। ले दोस्तों, खैर बच्चा मैंने बांध दिया, ये बच्चा था जो कि मैं छोड़ने लगा हूँ, वो ये गिरा नीचे, वो जा रहा आगे। और हमने दोस्तों तकरीबन मेरे ख्याल 1 हफ्ते के बाद कबूतर पकड़ा, शायद ज़्यादा दिन ही हो गए हों। इन दिनों में सिर्फ एक हमने मादी पकड़ी थी, वो भी एक एरिया वाले दोस्त की निकल आई थी, तो वो खैर लेने आ गए थे तो हमने उन्हें वापस कर दी थी। उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई थी तो शाम के टाइम पकड़ी थी, उड़ी ही मादी थी। तो एरिया से ही एक इधर आपको एक छत नज़र आएगी, ये वो गैप के अंदर फटी वाइट कलर की नज़र आ रही होगी, तो उनकी मादी आ गई थी, खैर वो हमने वापस कर दी थी। बाकी उसके अलावा कबूतर दोस्तों कोई भी नहीं आया था अपने पास, आज ही ये आया कबूतर काफ़ी दिन के बाद। ये जो छोड़ा मैंने, तंबल है और पानी पे पकड़ा गया, आसानी से प्यासा था उड़ा। गर्मी में वैसे भी दोस्तों कबूतर पानी पे ही पकड़ा जाता है, जंगलियों की टीम चेक करें, जंगली बीमार हुए हैं, यही दोस्तों कबूतर को बीमार करते हैं।
ये तीन तीन बच्चे बैठे थे वो जाके बैठ गए। ये अपना चीना बच्चा, ये दोस्तों बड़ा ही माशाल्लाह से आला बच्चा और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा है हमारे पास ये बच्चा। बाकी हरे रंग वाला भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा बच्चा फिरने लग गया। इसके अलावा ये बच्चा है कलपरा, ये जिसके पीछे पीछे वाइट दौड़े लगा रहा है, ये बच्चा भी अपने पास गिज गया। कलपरा बच्चा भी अपने पास लग गया, एक और बच्चा वो भी लग गया, चार पाँच पक्के हो गए हैं दोस्तों। अभी आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह इनकी ज़िंदगी कटे, बस ये बीमारी से बचे रहे ना तो ये हमारे पास अस्सू में बच्चे काम आएंगे, उड़ने वाले कबूतरों के साथ उड़ा करेंगे। कबूतरा मैं बंद करने लगा हूँ ला के, अभी टाइम दोस्तों सिर्फ 8 बजे का हुआ है और गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है ना, तपिश काफ़ी सेका हो गया धूप का, जिसकी वजह से मैं कह रहा हूँ चलो यार बंद करके चलें नीचे नाश्ता वगैरह करें, जाके इर्द गिर्द का व्यू लें। वो जाल वाला एक पकड़ने लगा, ये मैंने क्लोज़ किया हुआ है, वो तपा उठा रहा है। इस साइड पे दोस्तों शाम के टाइम आपने इस साइड का व्यू लिया हुआ है, दिन के टाइम देख लें बस जालों में थोड़े थोड़े कबूतर हैं। ये देखें इस साइड पे देखें, वो दूर दूर तक जाल नज़र आ रहे हैं। शिकारी इस रात अपनी पूरी तैयारी में है कि यार किसी तरह से हम कोई पकड़ लें, बस और कोई मकसद नहीं है उनकी कबूतरबाजी का। बाकी ये उस्ताद निज़ाम के कबूतर उड़ रहे हैं नीचे नीचे, ऊपर वाइट छत पर बैठे थे उतरे हुए हैं, तो इनकी छत का भी आपको विज़िट करवाया हुआ है। ठीक है दोस्तों, बाकी ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कबूतर अपने माशाल्लाह से खींचे हुए हैं, अभी गुले शुले इन्होंने कुछ भी नहीं निकाला, तो एक दो दिन के बाद इंशाल्लाह जो है ना ये गुले वगैरह निकाल लेंगे। ये आपको बाहर फिरते नज़र आ रहे हैं, कुछ ये फ्रेम के अंदर दाना डाला था, नहीं लाता कुछ बाहर फिर रहे हैं। ये हरी है, ये गोल्डन है, ये बच्चा है एक, ये चपड़ी है अपनी, वो पीछे जाक है, बाकी ये अंदर जोंसरा वगैरह अंदर हैं, हरी जोंसरा, ये बादाम चिरा अपना, चीना ब्राउन सारे पक्के कुछ इसमें हैं। बस यही दोस्तों कबूतर अपने पास, बाकी कबूतर अपने चले गए हैं, मर गए हैं, कम हो गए मेरे कबूतर, लेकिन माशाल्लाह काफ़ी हैं, इतने थोड़े नहीं हैं। ठीक है दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखें, तब तक अल्लाह हाफिज़।